वेलकम इन वंस अगेन डबल स्क्वाडर। सो ये आज हम देखेंगे कि स्टैटिक कीवर्ड, लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था स्टैटिक कीवर्ड यूजिंग विद द वेरिएबल्स, ठीक है। आज हम आगे चलते हैं और देखते हैं स्टैटिक कीवर्ड यूजिंग विद मेथड्स क्लास एंड ब्लॉक, ठीक है। तो हम ये सेशन का कवर करते हैं कि हम स्टैटिक वेरिएबल्स को, स्टैटिक कीवर्ड्स को मेथड के साथ, क्लास के साथ और ब्लॉक के साथ यूज कैसे करते हैं और क्या काम है इसका, ठीक है। तो देखते हैं फटाफट। देखिए, आई होप कि अगर आपको स्टैटिक के बारे में देखना है तो आपको लास्ट वीडियो देखना होगा, बिकॉज उसमें मैंने बता रखा है कि स्टैटिक कीवर्ड क्या करता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा समराइज फिर से कर दूं। स्टैटिक वेरिएबल्स या स्टैटिक कीवर्ड्स सिर्फ आपके मेमोरी यूटिलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। जेवीएम क्या करता है, स्टैटिक के वजह से उस चीज का एक सिंगल कॉपी बनाता है, ठीक है। सिंगल कॉपी मतलब कि अगर मान लीजिए तीन ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, ये तीनों ऑब्जेक्ट किसी एक चीज को, कॉमन डेटा को शेयर करेंगे, दैट इज द स्टैटिक डेटा, ठीक है। ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू एंड ऑब्जेक्ट थ्री, क्लियर। ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू एंड ऑब्जेक्ट थ्री, देयर इज थ्री डिफरेंट ऑब्जेक्ट शेयर द सेम कॉमन स्टैटिक डेटा, दैट्स व्हाई हम इस चीज को स्टैटिक के हिसाब से बताते हैं। लाइक सपोज कीजिए कि अगर कुछ इस तरीके से हो, एक स्टूडेंट है, मान के देखिए, फिर से मैं थोड़ा सा डेमोंस्ट्रेट करता हूँ। स्टूडेंट्स हैं तो मान लीजिए हमारे पास तीन स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। सपोज कीजिए हमने एक स्टूडेंट्स का नाम ले लिया, मान लीजिए कि ए वन, ठीक है। तो ए वन इसकी आईडी होगी, इसका नेम होगा, मान लीजिए नेम इक्वल टू ए वन। सपोज कीजिए ए वन एक स्टूडेंट का नाम है। रोल नंबर इसका सपोज कीजिए 10 है, ठीक है। और कॉलेज नेम, जैसा कि हम लोगों ने बताया था, तो कॉलेज नेम सपोज कीजिए इसका एक्स वाई जेड है, ठीक है। सेम अगेन यही काम चीज अगर मैंने किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए देखा, तो नेम इक्वल टू ए टू, ठीक है। रोल नंबर सपोज कीजिए रोल इक्वल टू 20, ठीक है। और कॉलेज नेम क्या होगा, कॉलेज नेम इसका भी क्या है, एक्स वाई जेड, ठीक है। और अगर तीसरे स्टूडेंट के लिए देखें, नेम इक्वल टू ए थ्री, ठीक है। रोल नंबर सपोज कीजिए 30 एंड कॉलेज नेम इक्वल टू एक्स वाई जेड, ठीक है। इस केस में आप देखो कि एक्स वाई जेड एक ऐसा वेरिएबल, एक ऐसा वैल्यू है जो तीनों स्टूडेंट्स के लिए सेम है, बिकॉज मैंने अब क्या बताया कि हमारे पास अगर कॉमन फील्ड है, कॉमन डेटा है, तो उसको वी आर यूजिंग एज अ स्टैटिक। तो आप देखिए कॉलेज नेम क्या है, सेम है, बट स्टूडेंट नेम एंड इट्स रोल नंबर इज डिफरेंट। ये देखिए A1 का 30, A2 का 20 एंड A1 का 10, ये देख रहे हैं। अगर नेम रोल नंबर हर स्टूडेंट का अलग है, बट उनका कॉलेज नेम सेम है, ठीक है। तो इस केस में मैं इन दोनों को क्या करूंगा, नॉन स्टडी वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, नॉन स्टडी वेरिएबल, ठीक है। लेकिन कॉलेज का नाम चूंकि सेम है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, वी आर यूजिंग अ कॉमन वेरिएबल लाइक स्टैटिक, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, स्टैटिक वेरिएबल में डिक्लेयर करेंगे कुछ इस तरीके से। मान लीजिए हमने ले लिया स्ट्रिंग नेम, ठीक है, स्ट्रिंग या एंड रोल, बट जब कॉलेज नेम है इसको हम क्या लेंगे, स्टैटिक स्ट्रिंग कॉलेज, क्लियर है। बिकॉज दिस इज द कॉमन वैल्यू विच शेयर्ड ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास, ठीक है। तो जो क्लास हम बनाएंगे उसमें इन सारे चीज के लिए तो सेपरेट होगा, बट ये चीज क्या होगा, कॉमन होंगे वो सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए। दैट्स व्हाई हम स्टैटिक डेटा के अंदर क्या पुट करने वाले हैं, यहाँ पे कॉलेज नेम, ठीक है, कॉलेज नेम, ये हमारा कॉमन हो गया और ये चीज हो गया। तो ये था सिंपल स्टैटिक वेरिएबल का एक ओवरव्यू, क्लियर है। अब हम इसके आगे देखते हैं, अगर मैं मेथड्स के केस में बात करूं तो मेथड्स में कैसे होते हैं स्टैटिक, क्लियर। तो डिफरेंसेस देखेंगे स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक मेथड के बीच में क्या डिफरेंसेस है, क्लियर है। तो एक प्रोग्राम से समझते हैं, मान लीजिए हमने एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है, एसटी मेथड, स्टैटिक मेथड, क्लियर, ठीक है। मेन मेथड बना के चलते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे एआरजीएस,
क्लियर है, हमने बना ली, ठीक है। देन स्टार्ट विद द मेथड्स, लाइक सपोज वी आर यूजिंग अ इंस्टेंस वेरिएबल लाइक स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग n, क्लियर, स्ट्रिंग n इक्वल टू व्हाट, सपोज हमने दिया रोबस्ट, रोबस्ट, ठीक है, और एक मैथ वेरिएबल लगाया स्टैटिक स्ट्रिंग, स्टैटिक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग m इक्वल टू कोडर्स, ठीक है, कोडर्स, क्लियर, दो वेरिएबल लिया, एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल, दूसरा स्टैटिक वेरिएबल, क्लियर। अब एक मेथड देखते हैं, सपोज कि वी आर यूजिंग अ मेथड लाइक void, ठीक है, हम एक मेथड लेते हैं get, void get, और ठीक है ध्यान दीजिएगा, अगर हमने यहाँ पे SOP के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन अगर मैंने n किया तो क्या होगा, रोबस्ट, अगर मैंने SOP के अंदर m किया तो क्या होगा, कोडर्स, दैट इज रेफर टू रोबस्ट एंड रेफर टू कोडर्स, ठीक है, क्यों, बिकॉज दिस इज अ वेरिएबल एंड ये मेथड कैसा है, नॉन स्टैटिक मेथड, ध्यान दीजिएगा, इट इज अ नॉन स्टैटिक मेथड, तो ये कैसा मेथड है, नॉन स्टैटिक मेथड, ठीक है, नॉन स्टैटिक मेथड, ठीक है, नॉन स्टैटिक मेथड, ठीक है, नॉन स्टैटिक मेथड के लिए ऐसा नहीं कि हम यहाँ कोई कीवर्ड या कुछ ऐसा चीज है जिसको इस्तेमाल करते हैं, हम यहाँ कुछ इस्तेमाल नहीं करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ नॉन स्टैटिक मेथड, ठीक है, नॉन स्टैटिक मेथड को इंस्टेंस मेथड भी कहते हैं, ठीक है, और स्टैटिक मेथड को क्लास मेथड कहते हैं, सेम यही चीज, नॉन स्टैटिक वेरिएबल को इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं और स्टैटिक वेरिएबल को क्लास वेरिएबल कहते हैं, क्लियर। तो एक मेथड बनाते हैं फिर से, स्टैटिक, वी आर पुटिंग अ स्टैटिक कीवर्ड, स्टैटिक वॉइड पुट, स्टैटिक वॉइड पुट अगेन, ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर मैंने एसओपी के अंदर अगेन सेम चीज, ठीक है, एसओपी के अंदर हमने मान लीजिए लिया इनसाइड, इनसाइड पुट, इनसाइड पुट, और कॉन्कैटिनेट कर दिया एन को, और SOP सिस्टम नॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर इनसाइड पुट, ठीक है, और कॉन्कैटिनेट कर दिया एम को, ठीक है, प्लस थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, देखिए यहाँ मैंने SOP के अंदर इनसाइड किया एन को, ठीक है, एन पे ध्यान दीजिएगा, एन कैसा वेरिएबल है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये मेथड कैसा है, स्टैटिक, वेरिएबल कैसा है, एन, देखिए यहाँ ध्यान से, वेरिएबल कैसा है, नॉन स्टैटिक, ध्यान रखिएगा, नॉन स्टैटिक, लास्ट सेशन में हमने बताया था नॉन स्टैटिक वेरिएबल, और मेथड कैसा है, स्टैटिक, इट मींस व्हाट इज दिस, कंपाइलर समझ जाएगा कि भाई नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को स्टैटिक मेथड के अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं, सेम चीज नॉन स्टैटिक वेरिएबल को कहां स्टैटिक मेंबर फंक्शन के अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी कंपाइल टाइम एरर, ठीक है, देखें कंपाइल टाइम एरर क्या आता है, फिलहाल तो आप मान के चलिए इट इज गोइंग टू बी कंपाइल टाइम एरर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कंपाइल टाइम एरर, क्लियर। दूसरा, अब क्या है, अब मेथड के रिगार्डिंग में बात कीजिए, दिस इज अ नॉन स्टैटिक एंड दिस वन इज स्टैटिक, this one is static because we are applying a static keyword, this is a static method, static method, ठीक है, this is a static method, non static method and static method, what is the scope, अब देखिए दोनों में क्या differences है, clear है, static method और non static method की calling पे ध्यान से दीजिएगा, ठीक है, हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ static method get और put को call करते हैं, ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि methods की calling करने के लिए मुझे क्या चाहिए, object, ठीक है, मेथड की कॉलिंग करने क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, तो वी आर जस्ट डिक्लेयर अ मेथड ऑब्जेक्ट, स्टैटिक मेथड, मेथड सपोज वी आर टेकिंग अ s1 इक्वल टू न्यू st मेथड, st मेथड, ठीक है, बन गया, हमने क्या किया, s1 एक ऑब्जेक्ट बना लिया, देन विद द हेल्प ऑफ s1 वी आर कॉलिंग द गेट मेथड एज वेल एज पुट मेथड, तो हम s1 के हेल्प से get मेथड और put मेथड को कॉल कर सकते हैं, तो वी आर यूजिंग s1.get एंड s1.put, ठीक है, s1.get एंड s1.put, क्लियर, सेम है, अगर मैंने s1.get किया देन व्हाट, robust and coders प्रिंट करेगा, ठीक है, और मैंने s1.put किया तो इस लाइन में क्या हुआ, कंपाइल टाइम एरर, अगर इसको कमेंट बना के चलाएं तो क्या होने वाला है, SOP के अंदर inside put m की वैल्यू क्या है, coders, तो यहाँ क्या प्रिंट होने वाला है, coders, coders, क्लियर है, इसको कमेंट बनाएंगे तब, अदरवाइज ये कंपाइल टाइम एरर देगा, और एरर क्या देगा, नॉन स्टैटिक वेरिएबल कैन नॉट रिफर टू स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ये हो गया एक सिंपल सा वे, पहला वे, ठीक है, कि विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट वी आर कॉलिंग द नॉन स्टैटिक मेथड एंड स्टैटिक मेथड बोथ, बट
ध्यान दीजिएगा, स्टैटिक मेथड के लिए एक यूटिलिटी, एक सिंपल सा एक केस है, ठीक है, एक स्पेशल चीज है स्टैटिक मेथड के लिए। वो क्या है कि स्टैटिक मेथड बिना ऑब्जेक्ट का, स्टैटिक मेथड बिना ऑब्जेक्ट का भी कॉल होता है। स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती। देन हम डायरेक्टली चाहें, डायरेक्टली चाहें, मान लीजिए हमने इसको कमेंट कर दिया दोनों को, हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, हमने ये भी नहीं बनाया, हमने ये भी नहीं बनाया, ठीक है। तो स्टैटिक मेथड को चलाने के लिए हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, हमने डायरेक्टली लिखा पुट। ध्यान दीजिएगा, गेट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं बिकॉज गेट इज अ नॉन स्टैटिक मेथड, पुट इज अ स्टैटिक मेथड। तो हमने क्या किया, स्टैटिक मेथड की कॉलिंग डायरेक्टली विदाउट यूजिंग ऑब्जेक्ट, हमने डायरेक्टली क्या किया, स्टैटिक मेथड की कॉलिंग इस तरीके से किया, ठीक है। तो स्टैटिक मेथड आप बिना ऑब्जेक्ट के सहारे, बिना ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने गेट मेथड को बिना ऑब्जेक्ट के यूज किया तो अगेन वही एरर है, नॉन स्टैटिक मेथड कैन नॉट रिप्रेजेंट टू स्टैटिक रेफरेंस, ठीक है। तो गेट भी क्या है, एक नॉन स्टैटिक मेथड जो स्टैटिक मेथड के अंदर नहीं आ सकता। नॉन स्टैटिक मेथड स्टैटिक मेथड के अंदर नहीं आ सकता, नॉन स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक मेथड्स के अंदर नहीं आ सकता, ठीक है। तो गेट के लिए भी क्या है, कंपाइल टाइम एरर, ठीक है, लेकिन पुट के लिए सही है, ठीक है। तो विदाउट हेल्पिंग योर ऑब्जेक्ट वी आर कॉलिंग द स्टैटिक मेथड इनसाइड द मेन मेथड, ठीक है। हम ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है स्टैटिक मेथड को बनाने के लिए, और ये चलता है, ये इसलिए चलता है बिकॉज स्टैटिक कीवर्ड की वजह से प्रोग्राम में जो JVM है वो इसको पहले एग्जीक्यूट करता है, पहले लोड करता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाने से पहले स्टैटिक वेरिएबल या स्टैटिक मेथड ऑक्यूपाई होकर यूज हो जाता है, ठीक है। कॉलिंग करने से पहले ये एग्जीक्यूट मोड में रहता है, ठीक है। तो मुझे किसी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है इस मेथड को कॉल करने के लिए, ठीक है। इट इज ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड बाय JVM, बस आपको क्या करना है, उसको कॉल करना है, ठीक है। तो ये हो गया स्टैटिक मेथड के केस में। और भी है, जैसे मान लीजिए स्टैटिक मेथड जो हम बनाते हैं, जब मैं इनहेरिटेंस के केस में बात करूंगा आपसे, तो वहां एक टर्मिनोलॉजी है दैट इज कॉल्ड ओवरराइडिंग, ठीक है। मैं पहले बता देता हूं, अगला टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करेंगे उसमें ओवरराइडिंग में मैं देखूंगा स्टैटिक मेथड अगर कोई है तो ओवरराइडिंग के केस में क्या होता है, ठीक है। तो इनहेरिटेंस के केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैं इनहेरिटेंस के केस में डिस्कस करूंगा तो पता चलेगा इफ योर मेथड इज स्टैटिक देन इट कैन नॉट बी ओवरराइड, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि ओवरराइडिंग क्या होता है और ओवरराइडिंग में स्टैटिक का क्या स्कोप है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कोप है, दैट्स व्हाई मेन भी देखिए स्टैटिक बनाया गया, और इसी के इंपॉर्टेंस को हम आगे ओवरराइडिंग के अंदर डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इतना देख लीजिए इस मेथड, इस प्रोग्राम में कि स्टैटिक मेथड बिना ऑब्जेक्ट का भी कॉल होता है, और इसकी जो स्पेसिफिकेशन और है उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे, ठीक है। देन स्टार्ट करते हैं ब्लॉक के केस में, ठीक है, स्टैटिक ब्लॉक के केस में बात करते हैं, क्लियर है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया, आप लोग थोड़ा सा राइट डाउन कर लें, अदरवाइज मैं प्रोग्राम में देखेंगे इसको, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा स्टैटिक ब्लॉक के बारे में, ठीक है, ठीक है। देखते हैं स्टैटिक ब्लॉक के केस में थोड़ा क्या होता है। स्टैटिक ब्लॉक, ठीक है, एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज भी है, पहले लोग पूछते थे, अब तो शायद थोड़ा कम पूछते हैं इस सवाल को, भाई मेन मेथड के बिना भी है अगर मैं जावा में कुछ प्रिंट करना चाहूँ तो क्या ये पॉसिबल है, ठीक है। विदाउट यूजिंग योर मेन मेथड आपको जावा के अंदर अगर कुछ प्रिंट स्टेटमेंट यूज करना है तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसका सवाल स्टैटिक ब्लॉक के थ्रू क्लियर हो जाता है, ठीक है। देखते हैं स्टैटिक ब्लॉक क्या करता है। द पर्पस ऑफ स्टैटिक ब्लॉक इज टू इनिशियलाइज द स्टैटिक वेरिएबल्स, क्लियर। और कब, JVM में एग्जीक्यूशन के समय, मतलब कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन से पहले आप किसी वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर देना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक ब्लॉक, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सारा स्टेटमेंट आप बिना मेन के यूज किए आप स्टैटिक ब्लॉक के थ्रू कर सकते हैं ये काम, ठीक है। दूसरा देखते हैं, देखिए मान लीजिए अगर आपके पास एक क्लास है एसटी ब्लॉक, ठीक है, क्लास है एसटी ब्लॉक, ठीक। अब देखते हैं स्टैटिक ब्लॉक, ठीक है, देखिए मेथड्स भी एक ब्लॉक होता है और सिंपल एक स्टैटिक ब्लॉक भी ब्लॉक होता है। तो मान लीजिए अगर हमारे पास एक वेरिएबल है लाइक स्टैटिक इंट एक्स, क्लियर, स्टैटिक इंट एक्स, हमने एक मेथड इस्तेमाल किया, एक ब्लॉक इस्तेमाल किया और उस ब्लॉक को सिंपली स्टैटिक लिखकर कर्ली ब्रेसेस लगा, दैट इज अ स्टैटिक ब्लॉक, ठीक है, ये क्या है, स्टैटिक ब्लॉक है, क्लियर। अब सपोज कीजिए हमने किया एक्स इक्वल टू 10, ठीक, और SOP के अंदर हमने किया एक्स, क्लियर है, SOP के अंदर XO प्रिंट किया, हमने क्या किया स्टैटिक ब्लॉक में स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया, ठीक है, हमने सिंपल इसको यूज किया,
क्लियर। देन स्टेप सेकंड, मान लीजिए हमारे पास एक मेथड है लाइक void get, और SOP के अंदर system.out.println x inside get, plus of x, क्लियर ठीक। अब हम मान लीजिए एक मेथड बनाए public static void main, public static void main string array args, क्लियर है ठीक है। इस केस में हम क्या देखते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया सिंपली एक स्टैटिक ब्लॉक का ऑब्जेक्ट बनाया, बिकॉज मुझे क्या करना है गेट मेथड को कॉल करना, तो एसटी ब्लॉक ठीक है, ब्लॉक एस वन इक्वल टू न्यू एसटी ब्लॉक, क्लियर है। और हमने क्या किया, मान लीजिए हमने यहाँ एसओपी के अंदर लिखा इनसाइड मेन ठीक है, इनसाइड मेन x is equal to what? Concatenate x, because x is what? Static variable, यहाँ call करेंगे, ठीक है? और उसके बाद हमने क्या किया? चूंकि ये get कैसा method है? Non-static method, तो मुझे object का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। S1 dot get, ठीक है? देखिए ध्यान से, हमने क्या किया? सबसे पहले static block use किया, इस variable को initialize किया, ठीक है? ध्यान रखिएगा, static block program में main block से भी पहले execute करता है, ठीक है? स्टैटिक ब्लॉक इज एग्जीक्यूट बिफोर मेन, ठीक है, तो मेन से पहले अगर वो एग्जीक्यूट करता है तो क्या कर रहा है, वो इस स्टैटिक वेरिएबल को क्या कर रहा है, यहां इनिशियलाइज कर रहा है। तो अगर वो इनिशियलाइज हो गया तो x की वैल्यू कितनी है, देखिए x की वैल्यू कितना मिलेगा 10, ठीक है, और 10 मिलने के बाद चूंकि वो स्टैटिक ब्लॉक है दैट इज अ कॉमन वेरिएबल, ठीक है, कॉमन वेरिएबल, देन उसको हम यूज करके देखते हैं कहां क्या इस्तेमाल होता है, यहां क्या पहुंचता है और यहां क्या पहुंचता है, ठीक है। तो आउटपुट सबसे पहले क्या आएगा, स्टैटिक ब्लॉक का मतलब एसओपी के अंदर x, फिर हमने क्या किया मेन ब्लॉक को कॉल किया इनसाइड द मेन ब्लॉक, देन s1 डॉट गेट, क्लियर है कि सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक कॉल होगा। अगर हम मान लीजिए मेन बनाते भी नहीं है और प्रोग्राम को चलाते हैं तो स्टैटिक ब्लॉक 100% एग्जीक्यूट होगा और वो चलेगा विदाउट यूजिंग योर मेन मेथड, कब, JDK 1.7 से, ठीक है, 1.7 के बाद ये एरर आता है, लेकिन 1.6 तक ये चीज चल जाता है, JDK 1.5 1.6 तक ये चीज इजीली चलता है विदाउट यूजिंग योर मेन मेथड, आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं स्टडी ब्लॉक को, लेकिन जो अपग्रेडेड JDK की वर्जन है वहां पे मेन मेथड कंपलसरी है, इसीलिए अगर आप स्टडी ब्लॉक बनाएंगे भी तो आपको मेन मेथड बनाना कंपलसरी है, ठीक है। सपोज करते हैं अगर हमारे पास एक स्टडी ब्लॉक और होता, स्टैटिक ब्लॉक और होता, ठीक है, मान लीजिए हमने इसमें लिखा एसओपी के अंदर ब्लॉक टू, ठीक है, ये मान लीजिए ब्लॉक वन है, सपोज कीजिए ये ब्लॉक वन है, ठीक है, ये ब्लॉक टू, तो इसका मतलब क्या कि जैसे ही ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा JVM सारे स्टैटिक ब्लॉक को एक बार में एग्जीक्यूट करेगा, तो पहले उसको ये स्टैटिक ब्लॉक मिला तो इसके हिसाब से चला, फिर उसको ये स्टैटिक ब्लॉक मिला फिर वो चला, फिर उसको मेन मिला, देखिए ये भी स्टैटिक है, पहले ये स्टैटिक ब्लॉक फिर ये स्टैटिक ब्लॉक देन मेन मेथड JVM के अकॉर्डिंगली, ठीक है, तब वो जाके कहीं इस चीज को एग्जीक्यूट करेगा, क्लियर है। ये स्टैटिक ब्लॉक के केस में हो गया, सारे ब्लॉक्स एक साथ पहले चलेंगे फिर मेन मेथड चलेगा, और फिर मेन मेथड से आपने जिस तरीके से प्रोग्रामिंग किया कॉलिंग उस तरीके से मूव होगा, क्लियर है। चलिए तो ये सिंपल सा स्टैटिक ब्लॉक से था कि हम स्टैटिक ब्लॉक को कैसे इस्तेमाल करते हैं, इस प्रोग्राम को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अभी मैं बना के दिखाता हूं क्या होता है, ठीक है। एक सिंपल से नोट और है कि मान लीजिए अगर मैं स्टैटिक क्लास बनाता हूं, ठीक है, स्टैटिक क्लास बनाता हूं, जहां तक हम लोगों ने बात किया था कि स्टैटिक हम वेरिएबल के साथ मेथड के साथ ब्लॉक के साथ और क्लास के साथ इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है, तो आई थिंक ये तीन चीज क्लियर हो गए हमारे, रह गया क्लास, ठीक है। स्टैटिक क्लास कभी भी ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, सपोज अगर हमने एक क्लास बनाया क्लास टेस्ट, ठीक है, तो क्योंकि मैंने क्या बोला कि स्टैटिक को हम क्लास के साथ इस्तेमाल करेंगे, तो स्टैटिक इज अ कीवर्ड व्हिच इज यूज्ड विद द क्लास, देन अगर मैंने यहां स्टैटिक लगाया, हमारे पास क्या एक ही क्लास था स्टैटिक क्लास टेस्ट, इसको मैंने स्टैटिक बनाया, अगर मैं यहां बनाऊंगा स्टैटिक ये कंपाइल टाइम एरर जनरेट करेगा, मॉडिफायर स्टैटिक नॉट अलाउड हियर, ठीक है। आप कभी भी मेन क्लास को जो आपका मेन क्लास है आप स्टैटिक कीवर्ड से नहीं बना सकते, ठीक है, देन तो फिर भाई ये स्टैटिक क्लास लगेगा बनेगा, स्टैटिक क्लास इज ऑलवेज डिफरेंट अ नेस्टेड क्लास, ये नेस्टेड क्लास का कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसकी किसी क्लास के अंदर कोई क्लास बना दूं स्टैटिक क्लास, ठीक है, स्टैटिक क्लास माय क्लास, ठीक है, ये सही है, ये कॉन्सेप्ट सही है,
तो स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल आप कहां करेंगे? ऑलवेज नेस्टेड क्लास के केस में। तो जब हम नेस्टेड क्लास पढ़ेंगे तो उस समय क्लियर बताएंगे कि क्लास के अंदर क्लास हम बनाते हैं और क्यों बनाते हैं, इसका पर्पस क्या है। तो स्टैटिक अगर मैं कोई क्लास बना रहा हूं, इट इज ऑलवेज रेफर टू नेस्टेड क्लास। ठीक है, नेस्टेड क्लास, इनर क्लास जो कह दीजिए आप। नेस्टेड क्लास के केस में हम स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्लास डिक्लेरेशन विद स्टैटिक कीवर्ड इज ऑलवेज रेफर टू नेस्टेड क्लास कॉन्सेप्ट। ठीक है, कभी भी मेन क्लास स्टैटिक नहीं होता। अगर आपने यहां बनाया, दैट इज अ कंपाइल टाइम एरर, मॉडिफायर स्टैटिक नॉट अलाउड हियर। ठीक है, तो स्टैटिक क्लास आप बनाएंगे कब? जब आप उस केस को नेस्टेड क्लास के केस में यूज करेंगे तब। ठीक है, तो एक सिंपल सा प्रोग्राम देखते हैं फटाफट और इसको बाइंड अप करते हैं। वेरिएबल्स, मेथड, ब्लॉक, क्लास, आई होप कि सब कुछ क्लियर है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर चीज के मामले में। अगर आपको एक अच्छे तरीके से प्रोग्रामिंग करना है तो आपको स्टैटिक के ऊपर कमांड होना जरूरी है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं इसको एक प्रोग्राम के थ्रू। देखते हैं एक प्रोग्राम बनाकर, एक क्लास एसटी मेथड। ठीक है, स्टैटिक मेथड, सेव करते हैं फाइल को। अपने डायरेक्टरी में मान लीजिए हमने किया एसटी मेथड डॉट जावा, मेन मेथड बना लिया। पब्लिक स्टैटिक, स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग एरे, चेक। देखते हैं यहाँ एक स्टैटिक वेरिएबल यूज करते हैं। मान लीजिए वी आर यूजिंग स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एन इक्वल टू रोबस्ट। ठीक है, रोबस्ट एंड static, static string, string, string m equal to coders, coders, clear? ठीक, एक method बनाते हैं void get, और इस method के अंदर हम इसको print करते हैं, like system dot out dot println, println, ठीक है, n, और हमने यहाँ टेस्ट कर दिया। सपोज मान लीजिए इसको मैंने एम कर दिया, इसको एन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। एम एन एंड एम एन, ठीक है, स्ट्रिंग एम इक्वल टू रोबस्ट एंड स्ट्रिंग एन इक्वल टू कोडर्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको एक ऑब्जेक्ट से किससे कॉल करते हैं। तो एस टी मैथड एस वन इक्वल टू न्यू एस टी मैथड मैथड। ठीक है, देन एस वन डॉट गेट, ध्यान दीजिएगा हमारे पास जो m है वो क्या है, नॉन स्टैटिक। देखिए यहां से ये क्या है, नॉन स्टैटिक, नॉन स्टैटिक, स्टैटिक, ठीक है, नॉन स्टैटिक। ठीक, और नॉन स्टैटिक वेरिएबल की कॉलिंग हमने क्या कर रखा है। ठीक है, अच्छा ये सपोज कीजिए अगर मैं स्टैटिक मेथड की बात कर रहा था तो चलिए इसको स्टैटिक बना लेते हैं। ठीक, स्टैटिक, स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक। नॉन स्टैटिक वेरिएबल की कॉलिंग हमने क्या किया, स्टैटिक गेट के अंदर बनाने की कोशिश किया। ठीक है, स्टैटिक गेट के अंदर। अब हम ऑब्जेक्ट से नो इस मेथड की कॉलिंग करके देखें। ठीक, सेव करें फाइल को और कंपाइल करें। जावा सी एसटी मेथड, कंपाइल। नॉन स्टैटिक वेरिएबल m cannot reference to static context। ठीक है, लाइन नंबर 8 के ऊपर आके देखें ये कहां एरर है। ये देखिए लाइन नंबर 8, लाइन नंबर 8 किस में है, स्टैटिक void get के लिए। ठीक है, बिकॉज़ get क्या है, स्टैटिक मेथड, और आपने m को यूज किया स्टैटिक मेथड के अंदर। तो जैसा कि लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम इसको क्या करें, 1 मिनट के लिए कमेंट करते हैं। ठीक है, और अब इस प्रोग्राम को सेव करके चलें। Compile successfully, then Java ST method, ये देखिए आ गया coders, robust छोड़ गया, केवल coders है, because coders क्या है, एक static variable था। ठीक है, एक static variable, ये देखिए। ठीक है, तो ये static method के अंदर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब हम देखते हैं कि अगर मैं कोई object ना बनाऊँ, ठीक है, और directly we are using get method, directly using get method, चलाइए देखें कि क्या मुझे स्टैटिक मेथड को बनाने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना, कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है। कंपाइल एंड रन, ये देखिए अगेन कोडर्स आ गया। ठीक है, मतलब
कि स्टैटिक मेथड को यूज करने या कॉल करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। जबकि अगर हमारे पास सपोज कीजिए एक मेथड और होता, मान लीजिए एक मेथड हमारे पास यहाँ सपोज कीजिए मैं बना दिया सपोज वाइट बोर्ड, ठीक है, और यहां मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्रिंटलन प्रिंटलन, ठीक है, मान लीजिए हमने एम, ठीक है, किसी को भी कॉल कर लेते हैं एम, और इस पुट मेथड की कॉलिंग हम डायरेक्टली करते हैं, ठीक है, पुट मेथड की कॉलिंग हम क्या करते हैं डायरेक्टली करते हैं विदाउट हेल्पिंग योर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मान लीजिए गेट कॉम कमेंट बना लें, सेव करें और पुट की कॉलिंग पे ध्यान दें केवल, ठीक है, देखिए पुट की कॉलिंग पे ध्यान दें, कंपाइल करते हैं, ये देखिए लाइन नंबर 24 पुट के लिए क्या है, नॉन स्टैटिक मेथड पुट कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। इट मींस कि पुट क्या है, एक नॉन स्टैटिक मेथड है जो स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट मेन के अंदर नहीं आ सकता, ये देखिए नहीं आ रहा है, ठीक है, बिकॉज पुट मेथड को चलाने के लिए मुझे क्या चाहिए एक ऑब्जेक्ट, बिकॉज क्यों, क्योंकि पुट इज नॉट नॉट अ स्टैटिक मेथड, इट इज अ नॉन स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक को स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट के लिए वी आर यूजिंग ऑब्जेक्ट। देन एसटी मेथड मेथड एस वन इक्वल टू न्यू एसटी मेथड, ठीक है, एसटी मेथड और एस वन डॉट पुट, ठीक है, एस वन डॉट पुट चला के देखें इसको, कंपाइल सक्सेसफुली एंड रन, ये देखिए रोबस्ट आ गया, ठीक है। अब सपोज कीजिए मैं इस मेथड को यहां से हटाकर इसके नीचे पेस्ट कर देता हूं विदाउट यूजिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनाया हूं लेकिन ऑब्जेक्ट का यूज नहीं कर रहा हूं, ठीक है, सेव करते हैं और चलाते हैं, कंपाइल, ये देखिए आ गया रोबस्ट कोडर्स, ठीक है, रोबस्ट फ्रॉम गेट मेथड, ठीक है, रोबस्ट फ्रॉम पुट मेथड एंड कोडर्स फ्रॉम गेट मेथड, क्लियर है, क्लियर, आई होप कि ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि स्टैटिक मेथड को चलाने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, ठीक है, बट नॉन स्टैटिक मेथड को चलाने के लिए आपको हमेशा ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, ठीक है। तो अगर आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आप नॉन स्टैटिक मेथड की कॉल करेंगे, अगर आपने ऑब्जेक्ट नहीं भी बनाया तो आप स्टैटिक मेथड की कॉलिंग कर सकते हैं विदाउट यूजिंग योर ऑब्जेक्ट, क्लियर है। चलिए इसी प्रोग्राम में हम देखते हैं एक छोटा सा, मान लीजिए अगर हम ब्लॉक के बारे में बात करें, सिंपल एक नया प्रोग्राम बनाते हैं, सपोज क्लास बनाते हैं क्लास एसटी ब्लॉक ब्लॉक, ठीक है, और सेव कीजिए फाइल, ठीक है, एसटी ब्लॉक ब्लॉक डॉट जावा, एसटी ब्लॉक डॉट जावा, ठीक है, मेन मेथड बनाने फटाफट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे एआरजीएस, ठीक, चलिए मान लीजिए स्ट्रिंग या स्टैटिक सिंपल स्टैटिक इंट एक्स सेमीकोलन, ठीक है, और वी आर यूजिंग स्टैटिक ब्लॉक, ध्यान दीजिए स्टैटिक ब्लॉक, और हमने इस स्टैटिक ब्लॉक के अंदर क्या किया एक्स की वैल्यू असाइन कर दिया एक्स इक्वल टू 10, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मान लीजिए इसको मैंने ब्लॉक स्टैटिक ब्लॉक ब्लॉक वन एक्स इक्वल टू, ठीक है, प्लस ऑफ एक्स, क्लियर, हमने एक्स की वैल्यू को क्या किया इसके अंदर देखने की कोशिश की, ठीक है, ठीक, एक्स की वैल्यू मैंने असाइन किया इसके अंदर स्टैटिक ब्लॉक के अंदर। अब मैं सिंपली इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करता हूँ विदाउट यूजिंग मेन, ठीक है, मैंने मेन को केवल डिक्लेयर किया, अब मैं इसको चला कर केवल देख रहा हूँ, ठीक है, क्लियर। चलिए जावा सी स्टैटिक ब्लॉक एसटी ब्लॉक ब्लॉक डॉट जावा, कंपाइल सक्सेसफुल देन रन एसटी ब्लॉक, ये देखिए आ गया स्टैटिक ब्लॉक वन एक्स इक्वल टू 10, ठीक है, हमने कोई मेन मेथड का इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपने मेन मेथड के अंदर एक मैसेज पास किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मेन ब्लॉक, मान लीजिए आपने किया मेन ब्लॉक, तो एग्जीक्यूशन समझिए मेन ब्लॉक, एग्जीक्यूशन में मेन ब्लॉक का काम कब आएगा, तो सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक और फिर मेन ब्लॉक, क्लियर है। JVM क्या करता है जैसे इस प्रोग्राम को लोड करता है उसी समय स्टैटिक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है, ध्यान रखिएगा स्टैटिक ब्लॉक जब प्रोग्राम लोड होता है उसी समय ये एग्जीक्यूट होता है, तो JVM स्टैटिक ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है, तो देखते हैं चलाकर इसको स्टैटिक ब्लॉक, ये देखिए
स्टैटिक ब्लॉक वन एक्स इक्वल टू 10, बाद में चला मेन ब्लॉक, ठीक है। तो मेन ब्लॉक से भी पहले कौन एग्जीक्यूट होता है? स्टैटिक ब्लॉक। अभी तक के प्रोग्राम में हम लोगों ने स्टैटिक ब्लॉक से पहले देखा था कि सबसे पहले मेन एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, उसके बाद कोई मेथड्स या कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग होती है जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो। लेकिन स्टैटिक ब्लॉक क्या है? वो मेन से भी पहले कॉल होता है, ठीक है। तो एक इंटरव्यू क्वेश्चन बहुत इजिली यहाँ से क्रैक होता है कि क्या प्रोग्राम में बिना मेन ब्लॉक यूज किए हुए क्या मैं प्रोग्राम में कोई चीज प्रिंट कर सकता हूँ? तो ये पहले बहुत पूछते थे लोग, ठीक है। तो ये इजिली होता है कि स्टैटिक ब्लॉक के थ्रू हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सपोज हमारे पास एक मेथड है void, सपोज foo नाम का एक मेथड है, क्लियर। और foo नाम के मेथड में हमने system.out.println के अंदर लिख लिया, ठीक है, x inside foo, x inside foo equal to plus of x, क्लियर, x inside foo plus of x, ठीक है। अब क्या है कि अब चूंकि ये foo कैसा है, नॉन स्टैटिक मेथड, तो मुझे क्या करना होगा, एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। We are using st block s1 equal to new st block, ठीक है, और with the help of s1 call foo method, ठीक है, compile, देखिए compile करें, फाइल compile and run करें, फाइल ये देखिए x की वैल्यू क्या है 10, ध्यान दीजिएगा x की वैल्यू क्या है 10, क्लियर। हमने स्टैटिक ब्लॉक की वजह से हमने क्या किया, उसको इनिशियलाइज किया, और जब उसको कॉलिंग हुई तो हमने क्या किया, दोबारा से वो अपनी वैल्यू कितना लेके आ रहा है 10। सपोज कीजिए अगर यहाँ पे ये स्टैटिक नहीं होता, ठीक है, सपोज यहाँ पे स्टैटिक नहीं होता, ठीक है, तो प्रोग्राम में कहाँ कहाँ कंपाइल टाइम एरर होता या नहीं होता ये चेक कीजिए, ठीक है। तो देखिए चूंकि ये स्टैटिक ब्लॉक है और ये वेरिएबल कैसा है, नॉन स्टैटिक, और अब किसके अंदर इनिशियलाइज कर रहे हैं, स्टैटिक ब्लॉक के अंदर, ध्यान देने वाली बातें हैं, ठीक है। कंपाइल, ये देखिए लाइन नंबर सिक्स, ध्यान से देखिए लाइन नंबर सिक्स कैसा है, x कैसा है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल, क्या आ गया, नॉन स्टैटिक वेरिएबल कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड टू स्टैटिक ब्लॉक, ठीक है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल x कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड टू स्टैटिक ब्लॉक, ठीक है। तो इसका मतलब कि आप यहां पे इसको क्या करेंगे, स्टैटिक ही बनाएंगे, तो स्टैटिक ब्लॉक टू इनिशियलाइज द स्टैटिक मेंबर्स, क्लियर। स्टैटिक ब्लॉक इज ऑलवेज इनिशियलाइज्ड टू द स्टैटिक मेंबर, और स्टैटिक ब्लॉक इज ऑलवेज यूज द स्टैटिक मेंबर, नॉन स्टैटिक वेरिएबल या नॉन स्टैटिक मेंबर कभी भी स्टैटिक ब्लॉक के अंदर नहीं आ सकता, क्लियर। चलिए ठीक है, तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आप लोगों को कि कैसे हम कर रहे हैं, स्टैटिक ब्लॉक के अंदर हम क्या इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। फिर से कंपाइल करें फाइल एंड रन करें, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम एक स्टैटिक ब्लॉक और बनाते हैं, मान लीजिए मैं स्टैटिक ब्लॉक मेन के बाद बनाता हूँ, मेन के बाद बनाता हूं, तो स्टैटिक और मेन के बाद, ठीक है, और system.out.println के अंदर हमने लिखा, ठीक है, ब्लॉक टू, ठीक है, स्टैटिक ब्लॉक टू आफ्टर मेन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेन के बाद और पहले का कोई सेंस नहीं होता है, बिकॉज जावा के अंदर क्या है, ये कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है, वो क्या करता है, सबसे पहले मेन को ढूंढता है, ठीक है, लेकिन वो पूरे प्रोग्राम को एक बार में पढ़ता है और उसे पता चलता है कि मुझे कौन कौन से ब्लॉक, कौन कौन से स्टैटिक ब्लॉक मेरे पास अवेलेबल है, तो सारे स्टैटिक ब्लॉक को एक साथ एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, बाद में वो क्या करता है, मेन को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप हमेशा ऐसा नहीं कि स्टैटिक ब्लॉक बना रहे हैं तो उसको मेन से ऊपर डिक्लेयर कर रहे हैं, इसलिए मेन पहले बाद में चल रहा है और स्टैटिक ब्लॉक पहले चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए इसके केस में क्या होना, कि स्टैटिक ब्लॉक वन पहले चलेगा, फिर स्टैटिक ब्लॉक टू चलेगा, फिर हम मेन के अंदर के ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करते हुए देखेंगे, क्लियर है। आइए यहाँ पे सेव करते हैं इस फाइल को, कंट्रोल एस से सेव किए, ठीक है, क्लियर। तो पहले कंपाइल करें फाइल स्टैटिक ब्लॉक एंड रन करें, तो पहले स्टैटिक ब्लॉक वन का सारा ऑपरेशन, फिर स्टैटिक ब्लॉक टू, फिर मेन का काम, ये देखिए स्टैटिक ब्लॉक वन 10, ब्लॉक टू आफ्टर मेन, एंड मेन ब्लॉक x inside foo, तो x inside foo बिकॉज इट इज अ मेथड, इट इज अ मेन मेथड, इट इज अ स्टैटिक ब्लॉक टू, एंड दिस वन इज अ स्टैटिक ब्लॉक वन, स्टैटिक ब्लॉक वन, स्टैटिक ब्लॉक टू, मेन मेथड एंड फंक्शन, क्लियर है। तो आई थिंक कि आप लोग को ये सारी चीज क्लियर हो गया कि स्टैटिक ब्लॉक हम कैसे बनाते हैं, मेथड्स कैसे बनाते हैं, ठीक है, और क्या क्या यूजेस हैं, क्लियर। एक तीसरा चीज देख लेते हैं कि अगर मैं स्टैटिक वेरिएबल जो क्लास था हमारा, स्टैटिक क्लास के थ्रू हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, स्टैटिक क्लास मतलब स्टैटिक कीवर्ड क्लास के थ्रू हम कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट डेमो के अंदर देखते हैं।
न्यू लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक क्लास है, ठीक है, एसटी क्लास, मान लीजिए एसटी क्लास, ये क्लास हमने बनाया एसटी क्लास के नाम से, ठीक है, सेव करें फाइल एसटी क्लास डॉट, ठीक है, एसटी क्लास। केवल कंपाइल टाइम चेक करके देखते हैं कि अगर मैं स्टैटिक कीवर्ड यहां लगाया, सपोज कीजिए मैंने इस फाइल को कंपाइल किया, ठीक है, लेट सपोज जावा सी एसटी क्लास डॉट जावा, ठीक है, केवल कंपाइल किया फाइल, देखिए कंपाइल सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहां पे स्टैटिक कीवर्ड लगाता हूं, स्टैटिक कीवर्ड लगाया, सेव किया और दोबारा से मैंने इसको रिकंपाइल किया। अब एरर पे ध्यान दीजिए क्या होता है, देखिए मॉडिफायर स्टैटिक नॉट अलाउड हियर, क्लियर, मॉडिफायर स्टैटिक नॉट अलाउड हियर। आप कभी भी आपका जो मेन क्लास है उसको आप स्टैटिक डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्लियर है। तो फिर स्टैटिक कीवर्ड क्लास के साथ कहां इस्तेमाल होगा, देन जब मैं नेस्टेड क्लास की बात करता हूं तो हम लोगों को यहां से इसको हटाना होगा। और अगर मैंने किसी क्लास के अंदर कोई क्लास बनाया माई क्लास, ठीक है, और यहां पे मैंने स्टैटिक कीवर्ड इस्तेमाल किया तो ये चल जाएगा, ठीक है। कंपाइल करें फाइल, सेव किए और फिर मैं इसको क्या करूं, कंपाइल करूं फाइल को, ये देखिए चल गया, कंपाइल हो गया फाइल। इट मीन कि अगर मैं स्टैटिक कीवर्ड क्लास के साथ यूज कर रहा हूं तो इट मस्ट बी कंपलसरी कि ये कैसा होना चाहिए, इट इज अ नेस्टेड क्लास कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये क्या है, नेस्टेड क्लास कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया हो कि क्या क्या होते हैं। स्टैटिक मेथड देख लीजिए ध्यान से, स्टैटिक मेथड, ठीक है, स्टैटिक मेथड में क्या है, वो बिना ऑब्जेक्ट का कॉल होता है, ठीक है, और ओवरराइडिंग के केस में हम देखेंगे स्टैटिक मेथड बनाने से ओवरराइडिंग के केस में क्या होता है, ठीक है। तो स्टैटिक मेथड ओवरराइड नहीं होता है, जब मैं ओवरराइडिंग पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। स्टैटिक ब्लॉक के केस में आपने देख लिया स्टैटिक ब्लॉक क्या यूज करता है, मेन से पहले चलता है और इसका इस ब्लॉक का इस्तेमाल हम स्टैटिक वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। और स्टैटिक क्लास इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्टेड क्लास, क्लियर। कुछ और स्टैटिक के बारे में है तो जब मैं उसको ओवरराइडिंग के अंदर केस देखेंगे तो वेरिएबल्स और ब्लॉक के बारे में फिर से बात करेंगे, ठीक है, कि स्टैटिक वेरिएबल ध्यान रखिएगा, स्टैटिक कीवर्ड सबसे ज्यादा वेरिएबल्स और मेथड्स के केस में ही यूज होता है, ठीक है। सिंगल कॉपी शेयर्ड ऑल द ऑब्जेक्ट्स एंड मेथड इज कैन नॉट बी ओवरराइड, दिस इज टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन जावा रिगार्डिंग स्टैटिक, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को सब कुछ समझ में आए, नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसे आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ नई चीजों को देखेंगे। थैंक यू सो मच।